सारी चीज़ें जग जाहिर है कि मांग मुद्दे क्या हैं आशा के। पिछले 5 साल से सरकार आशा को नए से नए काम देने लग रही है। काम लगभग 2018 से अब 2023 तक 3 गुना बढ़ गए आशा के काम, और 2018 के बाद से एक भी नए पैसे की बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। 2018 से और जब आज तक हम महंगाई का आंकड़ा देखते हैं तो महंगाई भी लगभग 2 गुनी हो गई है। उस हिसाब से हमारी एक बढ़ोतरी बनती है और वो सरकार को करनी चाहिए, ये इतनी सी मांग है। अब ये बढ़ोतरी करने की बजाय सरकार ने हमें काम ज़्यादा देते हुए भी हमारे जो पहले से तय इंसेंटिव्स थे उसमें भी कुछ कटौतियाँ की गई हैं। हमने इससे पहले भी आंदोलन किया था इन कटौतियों के खिलाफ, और वो अभी भी हमारा वो मुद्दा बन रहा जाए चल रहा है हमारा ये मुद्दा कि वो कटौतियाँ भी बहाल होनी चाहिए, हमारी बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। ये मसला है। आज जो आशा काम कर रही है असल में वो काम फील्ड वर्क जो वो पहले से कर रही थी वो तो कर ही रही है, नया काम सरकार ले रही है आशाओं से, और वो नया काम ऑनलाइन इतना है कि उसके लिए यदि सरकार किसी और से वो काम करवाएगी तो उनको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके लिए एक भर्ती करना पड़ेगा, और उसके लिए 14 से 18 हज़ार यदि वो कच्चा भी लगाते हैं तो भी उतनी उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा हक बनता है, इतना तो जितना काम हमसे सरकार ले रही है उस काम का वेतन हमें दे। लेकिन सरकार बातचीत करके मसले का समाधान करने की बजाय वो दमन पे उतारू है, वो इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। लेकिन हमने पहले भी सरकार को बता दिया, हम फिर से सरकार को बता रहे हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम दबने वाले हैं, ना हम थकने वाले हैं। कोई हमारे अंदर थकान नहीं है, कोई हमारे अंदर डर नहीं है। जो उतना डर रह सकती थी सरकार, वो जितना उसके पास पुलिस प्रशासन फौज फरड़ा था वो उन्होंने 28 तारीख को अपना सारा इस्तेमाल करके देख लिया। उसके बावजूद आशाएं नहीं डरी, वो हमें एक जगह प्रदर्शन करने से रोकना चाहते थे। हमने वहाँ पंचकुला में भी प्रदर्शन किया, और उससे अलग हमने हरियाणा की लगभग 100 जगहों पे प्रदर्शन किया। वो हमें एक जगह से रोकना चाहते थे, हमने 100 जगह प्रदर्शन किया। तो हमने बता दिया सरकार को कि हमारे जो हौसले हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो लड़ने की इच्छा है और अपना हक लेने की हमारी इच्छा है। उसके बिना उससे कम पे कोई बात नहीं बनेगी, और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। आज नहीं तो कल उनको हमसे बातचीत करनी पड़ेगी। विकल्प है तो हमारे पास है कि ये सरकार यदि हमारी बात नहीं सुनेगी तो कोई बात नहीं, हम सरकार बदल लेंगे। ये मैसेज दिया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, हमने कोरोना काल के दौरान पैसे दिए थे और अब ये सारी लगभग झूठ है चीजें इसमें से। अब कोरोना काल के अंदर जो आशा को दिया गया पैसा 1,000 रुपए 1 महीने का दिया गया, जबकि आशा को उस समय पे जो काम दिया गया वो आशा का जो रूटीन का पहले का काम था वो तो था ही, वो छूट भी गए वो आशा से अपने रूटीन के काम वो कर नहीं सकी, क्योंकि 6 से 7 घंटे का रोजाना का काम था कोरोना के अंदर आशा के पास, जिसमें उसको सर्वे करने थे, उसको कंसोलिडेट करना था, उनको क्वारंटीन करना था, लोगों को उनके घरों पे पर्चे चिपकाने थे, स्क्रीनिंग करनी थी, ये तमाम काम थे। बीमार जो लोग थे उनको दवाइयाँ पहुँचानी थी, फल पहुँचाने थे, ये तमाम काम आशा वर्कर्स उस समय पर कर रही थी और शानदार तरीके से किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि आशा वर्कर्स ने भारत के अंदर जो है बहुत शानदार काम किया, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया, ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया, और वो भी ऐसे ही नहीं दे दिए। 3 महीने बाद वो बंद हो गए, हमें फिर हड़ताल करनी पड़ी, फिर धरना करना पड़ा, फिर वो आ गए, फिर बंद हो गए, तो उसके लिए फिर आंदोलन करना पड़ा, फिर बंद हो गए, फिर आंदोलन करना पड़ा, ये स्थिति चल रही है। तो ये सब झूठ है, और हम अब चैलेंज कर रहे हैं सरकार को। यदि वो कह रहे हैं कि 19,600 रुपये हम आशा को दे रहे हैं तो हम तो मान लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो रही होगी, उसको ठीक कर दें, उनके खाते में ये पैसे भेज दें, हम आंदोलन भी नहीं करेंगे, 26,000 पे हम दोबारा बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन झूठ बोल रही है सरकार तमाम तरीके से, और ना जो ये फैमिली आईडी बनाने में आशा का कोई रोल नहीं है, उन्होंने कोई फैमिली आईडी नहीं बनाई, ना हमारी उस तरह से कोई ड्यूटियाँ लगी फैमिली आईडी के लिए। वो ऑर्डर एक बार सरकार दिखाए कहाँ वो ऑर्डर हैं जहाँ पे आशाओं को फैमिली आईडी में काम करने के लिए कहा गया था, और वो रिकॉर्ड दिखाएं कि किन आशाओं ने वो काम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जहाँ पे कुछ टीमें आई वेरिफिकेशन की लगी थी, एक आध जगह से हमने पता किया पूरे हरियाणा में, एक आध वर्कर उन टीमों के साथ गई थी, किसी को भी उसकी कोई भुगतान नहीं हुआ। तो ये सारी फालतू की बातें हैं जो सरकार कर रही है। असल में ये है कि वो बहुत ज़्यादा हमसे काम ले रही है इस समय पे, एक व्यक्ति से जो बहुत मुश्किल है जितना काम, वो उतना काम ले रही है और उसके बदले में वो हमें कुछ देना नहीं चाहती, असल में बेगार लेना चाह रही है। लड़ाई बेगार प्रथा के खिलाफ है, हम कह रहे हैं कि बेगार प्रथा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं आपको पैसे नहीं देने तो हम काम भी नहीं करेंगे, फिर जो जिस काम का पैसा नहीं वो काम नहीं। जो सरकार अपने आप से ऑर्डर जारी कर रही है नो वर्क नो पे, तो हम भी ये कह रहे हैं कि जो बेगार होगी, जिस काम का पैसा नहीं होगा वो काम हम नहीं करेंगे। लंबे समय से यही आंदोलन, यही लड़ाई हमारी चल रही है कि वो हमें नए काम देते हैं, उनका इंसेंटिव नहीं होता, फिर हमें वो लिख के देना पड़ता है कि हम इस ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई इंसेंटिव नहीं है। ये झगड़ा चल रहा है और मेरी अपील है सरकार से कि उनको बातचीत करके मसले का समाधान करना चाहिए और उनको ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, आज नहीं तो कल उनको सुननी पड़ेगी। अभी हमने बताया कि अभी तक तो हमारा 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक तो हम गांव के अंदर प्रचार अभियान चलाएंगे और हम सभी पंचों के पास, सरपंचों के पास, जितने भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम उन सब के पास जाएंगे गांव के अंदर, हम अपने लाभार्थियों के पास जाएंगे, हम जनता से अपील करेंगे कि वो हमारे इस आंदोलन का समर्थन करें। 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमारा ये प्रचार अभियान चलेगा और इसी दौरान हमने तय किया है कि बांट बांट के हम गांव के अंदर शाम को मशाल जुलूस भी निकालेंगे, आम जनता को लेके, अपने लाभार्थियों को लेके, गांव के बाकी लोगों को लेके हम हर रोज को शाम को मशाल जुलूस किया करेंगे अलग अलग गांव के अंदर। तो ये हमारा 11 तारीख तक का प्रोग्राम है। 10 तारीख को हमारी राज्य की कन्वेंशन है, उस 10 तारीख की कन्वेंशन में हम आगे के आंदोलन के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में तय करेंगे। 11 से 17 तारीख का जो गांव की पंचायतें हैं, पंच सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, उनके पास हम हमारा प्रस्ताव लेकर जाएंगे और उनसे आशा वर्कर का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन मांगेंगे। और उसके जैसे सिटू के जो नेता हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, किसान सभा है और सारी पंचायतें हैं, हम उनकी एक पंचायत बुलाएंगे और उसमें सभी आशा वर्कर होंगे और पूर्ण जोर से हमारा समर्थन के लिए बोलेंगे कि हमारा सरकार हमारे से ये बेकार के काम करवा रही है और इस काम के एवज में सिर्फ तनख्वाह मानदेय सिर्फ 4000 रुपये दे रही है और वो हमारा समर्थन भी करेंगे और हमारी आवाज़ को भी बुलंद करवाएंगे और हमारा समर्थन भी देंगे। 17 तक हमारा यही काम है और 17 के बाद आगे की रणनीति फिर हम आगे बढ़ेंगे।